थी या नहीं थी, बस आपको मालूम तो था। हाँ, 16 तारीख शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। हमारा साहस, हमारी इज्जत है पापा, हमारी ताकत, हमारी पूंजी, हमारी पहचान है पापा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शालू वर्मा यहाँ पधारे हुए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य और हर्ष की बात है कि आज हमें ये अमृत महोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वी ऑल आर हियर बिकॉज 75 ईयर्स अगो द वर्ल्ड वॉज गिवन अ ग्रेट गिफ्ट बाय श्री रूपलाल जी टंक एंड श्रीमती केसर देवी, the first of their seven children of father Shri Govind Singh Ji Tank, is still like a 25 years old young man with 50 years of experience. Is always being one to lend a helping hand to anyone in need. Papa, main aapko is प्लेटिनम जयंती की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगी। विश यू अ वेरी हैप्पी 75th बर्थडे। आप हम सभी बच्चों के लिए हमेशा से ही एक प्रेरक रहे हैं। यू हैव गिवन अस सो मैनी इनवैल्युएबल थिंग्स इन आवर लाइफ एंड वी विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर देम। मे योर स्पेशल डे brings you plenty of wonderful things. We are truly blessed to have you in our life. On this birthday, may you continue to pass on your energy and happiness for many more years to come. Happy birthday, Papa. Bye.
एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। सब कुछ वर्णन कर दिया, पुरानी यादें ताजा हो गई। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। कुछ इस तरह की फीलिंग्स के साथ आइए चलते हैं यादों की बारात में। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। विद्यार्थी जीवन से ही इनके साथ मेरी आत्मीयता थी, विशेषकर कबड्डी के खेल में हमेशा मार्गदर्शन करते थे। कॉलेज की कबड्डी टीम के कैप्टन थे। हमने साथ कई परियोजनाओं में काम किया है, उनमें माही नदी पर बांसवाड़ा रतलाम मार्ग का गैमन पुल एवं चित्तौड़ जिले में सांवलिया जी के मंदिर के पुनर्निर्माण का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा। उनका योगदान इन योजनाओं में बहुत मूल्यवान रहा। गोविंद जी की कुशाग्र बुद्धि, कार्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी, निष्कपटता एवं सदाशयता ने मुझे सदैव प्रभावित किया। एक तो लसाड़ा पर माई का पुल और दूसरा बागीदोरा आनंदपुरी के बीच का छापरा अनासर जी का पुल, और वहाँ पर दोनों पुल पूरे अकाल के समय एक एक्सीन की तरह नहीं बल्कि एक मेट की तरह कार्य किया। वहीं तंबू पे पड़ाव पे रहते, चाहे सुबह हो शाम वहीं खाना खाते, और निर्धारित समय में बरसात के पहले दोनों पुलों पर आवागमन शुरू हो गया। उसके लिए आज बांसवाड़ा जिले के समस्त लोग टांक साहब को हमेशा याद करते हैं। आपकी सरल और सादगी के प्रतीक के रूप में आपने सांवरिया जी मंदिर मंडल में कई वर्षों तक निःशुल्क सेवा देते हुए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में आपने जो काम किया वो अस्मरणीय। आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए हम सबको कि आपकी सरल सादगी और आपकी ईमानदारी, स्वच्छ छवि से हम कुछ सीखें और हम आपके मार्गदर्शन में काम करते रहे। मिस्टर गोविंद सिंह टॉक, हु इज अ सिंपल पर्सन बट अ वेरी बिग मैन, ही बिलीव्स इन डेवलपमेंट ऑफ all friends, relatives, Udaipur city, Rajasthan and India, and also needy persons, which is a very good gesture. मैं ये कह सकता हूँ ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व उदाहरण है। जब इनकी पोस्टिंग बांसवाड़ा थी और हरदेव जी जोशी मुख्यमंत्री थे,
जोशी जी ने कही आरएसएस के होंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है, ईमानदार है, बहुत अच्छा काम करते हैं, कर्तव्यनिष्ठ है, यहीं रहते हैं, सबकी सुनते हैं। तो ऐसे जिस आदमी की प्रतिष्ठा हो उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत कम होगा। मेरे लिए लिखना कभी भी इतना मुश्किल नहीं रहता था। कलम उठाती और शब्द खुद ब खुद पंक्तियां बनते चले जाते थे। पर आज जब इस शुभ अवसर पर ख्याल आया कि बचपन की धुंधली यादों को आप लोगों के साथ दोहरा लूं, तो मानो खुद को एक शून्य सा महसूस करने लगी। मुझे समझ ही नहीं आया कि भावनाओं के सैलाब को कैसे लफ्जों का रूप देकर आपके समक्ष रखूं। फिर भी एक छोटा सा प्रयास किया है और ये कविता सिलसिला ए फिक्र पापा को समर्पित करती हूँ। सुनकर आज थोड़ी कोशिश भी कर लूं इन लफ्जों को तवज्जो देकर। बचपन में एक उपनाम हुआ करता था डी, जो आज डियर डार्लिंग डॉटर लगता है डैडी। याद है पापा का वो दिल्ली से हर बार मेरे लिए एक्स्ट्रा जेम्स लाना, साइट पर जीप में पार्ले जी बिस्किट के साथ ले जाना, कोटा स्टेशन पर आकर केक चॉकलेट्स थमाना, हाथ का तकिया बनाकर पास में सुलाना, सुबह होने पर अच्छा 5 मिनट और करके सोने देना, मानो शब भर के ख्वाबों को इन्हीं लम्हे में देखना। बॉइल एग मम्मी से छुपाकर कोने में रखना, फिर उसे प्रोटीन का नाम देकर इशारा लेने का करना, श्रीखंड खीर जाजरिया या वो बैंगन का भरता, आज भी इन सबसे हमारा मन नहीं भरता। हमारे कहने से पेशतर ही कर देते हो ख्वाहिश पूरी, फिर चाहे वो रबड़ी रसगुल्ला हो या कचौरी। सिलसिला ए फिक्र अब भी चलता रहता है, जो हमें आज भी आपका खास होने का एहसास दिया करता है। अनगिनत मीठी बातों के साथ डांट भी आती है याद जब देखती हूँ मुड़कर। कोशिश रहती थी कुछ करने को हमेशा बढ़कर, पर अनजाना सा भरम था मन के भीतर। फिर जोर से बढ़ देते थे आपके दो अल्फाज, अच्छा है करो और बेहतर। इतना भी नहीं पता, ये तो बता दे रवि जिम्मी दीपू या लेना किसी बच्चे का नाम। अब तो सब जान गए हैं, मान गए हैं कि यही है आपका तकिया कलाम। आप हमारे परिवार का है वो दरख्त, खुद तपकर छांव देना है जिसकी फितरत। तभी तो यूं आसानी से नहीं मिला करती इतनी शौहरत, सोने सी चमक के लिए उसको भी होती है आग की जरूरत। कभी कहकर नहीं फिक्र करके प्यार को जताया, आंसुओं को ही नहीं हंसी को भी हमसे छुपाया। कर्म ही जीवन है ता उम्र इसे अपना संकल्प बनाया, तभी तो अलग पहचान है वरना धन तो बहुत लोगों ने कमाया। धरातल से जुड़े रहकर छुआ है आसमान, हर वक्त सफलता का दिया है पैगाम। सहज सरल सहलशील व्यक्तित्व ही आपकी पहचान, तभी तो हम बच्चों को पापा आप पर इतना गुमान। लव यू पापा। बना भाइयों, मेरे पिता तुल्य और माता तुल्य सभी यहाँ पर आगंतुक, जो भी हमारे पिता तुल्य श्रीमान गोविंद सिंह जी ठाकुर जो आज 75वां जन्मदिवस मना रहे हैं, तो उनको बधाई देने के लिए इससे पहले मैं कुछ क्षण आपको बस ये, क्योंकि मोनोटोन चल रहा है थोड़ा सा, युद्धेश्वर मामा के आशीर्वाद से एक गाना भी गाऊंगा पक्का भी, क्योंकि ये फिर क्या है कि मोनोटोनस हो जाता है पापा के आशीर्वाद से। तो मैं ये बता दूं कि जब हमारी और मेरी धर्मपत्नी बैठी आपकी सबसे बड़ी लड़की डॉक्टर रेणु, मेरे पिताजी का नाम भी गोवर्धन दास, इनका नाम भी गोविंद सिंह था, मेरी सासू जी का नाम भी राजकुमारी और मेरी माता जी का नाम भी रेवंती देवी। तो ये बड़ा आपस में सौभाग्य सा रहा
मैं तो पिताजी को कहता था कि गोवर्धन गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गोवर्धन गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गोवर्धन अपने गोविंद दियो बताए। तो इतने, और आपको एक बात और बताऊं, वास्तव में राशि नहीं, दोनों के गुण भी बहुत मिलते थे। जीसा, जिसको पिताजी को जीसा कहते थे, रेणु को, मेरा प्यार रेणु को दे दिया था सारा उन्होंने, और जितने सैद्धांतिक ये थे उससे बराबर सैद्धांतिक वही थे। सुबह जब लेट होते थे हॉस्पिटल के लिए, मैं रेणु कभी 8:05 या 8:10 हो जाते थे, तो जीसा कहते थे कहीं स्कूल हॉस्पिटल जाने को नहीं गया, नहीं जाऊंगा। और इतने में जब गाड़ी बैठते थे पापा का फोन आता था, तो हॉस्पिटल लेट कैसे जा रहे हो। मतलब दोनों का इतना सामंजस्य है, दोनों की इतनी ईमानदारी, दोनों का इतना साधुवाद कि मैं क्या कहूं इनके बारे में। वो भी जितने इनका रेस्पेक्ट है सब ज्यादा वही करते थे, बहुत ज्यादा। मतलब वो कह रहे मारण, कहते हैं कि मैं 2 दिन पहले आया घुंघरू बन जाऊंगा। जीसा कहते थे कि भाई आज का दिन का ये मीनू होगा, आज सुबह कड़ी बनेगी, शाम को सुबह नाश्ते में ये होगा, दोपहर में बाजरे की रोटी होगी। और पापा कहते थे कि घर पे जाकर के 10 दिन घी बंद करना पड़ता था, तो घी का प्रचलन बीकानेर में ज्यादा है। अंजना साहब जब बीकानेर आएंगे, अभी तक आए नहीं है, तो घी का स्वाद जरूर चखाएंगे वहां का। तो ये सामंजस्य था। और उनकी सदा से देखिए कि जब ये चीफ इंजीनियर थे उसमें ब्रिज कॉरपोरेशन में, आप चीफ इंजीनियर बने थे प्रमोट होकर के, तो मैं पापा और रेणु और ड्राइवर जब साथ में थे, गाड़ी लेकर आ रहे थे, सीकर के पास एक ही टोल टैक्स होता था तब राजस्थान में, एक या दो की और होता होगा, तो वहां पर आकर के ब्रिज का ही वो था, ब्रिज ही था वहीं पर, और टोल टैक्स लगता था उस समय करीबन 10 रुपए या 5 रुपए। तो पापा ने वहां गाड़ी रोकी और उसको 10 रुपए दिए। मैंने कहा आप तो ब्रिज कॉर्पोरेशन चीफ इंजीनियर हो, तो बोले क्या हो गया, इसने जो ब्रिज बनाया वो भी तो कमाई का ना, मैं भी गवर्नमेंट टूर पर नहीं हूँ, प्राइवेट टूर पर हूँ, 10 रुपए दूंगा। तो उन्होंने 10 रुपए दिए। ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं, जैसे अंजना जी ने बताया, जब आरपी चेयरमैन थे मुझे कभी भी याद नहीं था, मैं कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था कि लाल बत्ती में कभी नहीं बैठे। घर पे रेणु बस से जाती थी, गाड़ी आती थी सिंपल सी, ऑटो करके वहां पर जाना होता था, बड़े सिंपल और बड़े अपने सहज रूप से रहते थे। एक बार भी मुझे याद है घटना की, जब रेणु शर्ट उनके बर्थडे पर लेकर आई थी, थोड़ा महंगा शर्ट था वो, गलती से हमने कहा स्टिकर हटाना भूल गए थे, हमने स्टिकर देख लिया तो बोले कि इतना महंगा के, ऐसे 10 शर्ट में है ना, वहां राजस्थान हाउस में रुकता हूँ और लाल किला और उसके आस पे 10 शर्ट मिल जाएंगे ऐसे, और वो 10 साल चलेंगे मेरा आराम से। तो मैं बड़े ऐसा लगता था कि इतना सहज और इतना सुंदर और इतना सुशील और इतना, मतलब एकदम मिडिल तबके का जीवन जीने वाले आप ही मिलते थे। और आपने अपने जीवन में जो आयाम स्थापित किए हैं वो हम साधु, आपके 4 बेटे 5 बेटा ने, आपके 5 बेटे हैं, चारों वहां साधु यहाँ पर विराजित है, मेरे कजिन साधु भी यहाँ पर है चारों, और हम आठों की तरफ से हम तो यही दुआ करते हैं कि हम तो आपका 100वां साल भी बड़ा आसानी से इसी जगह या कहीं पर भी जोरदार रूप से बनाए। मेरा तो आपसे ही अब एक गाना जरूर सुनाऊंगा, जगदीश्वर मामा की तरफ से ये गाना आपको समर्पित है। शायद आप लोगों के जो पापा के साथ के लोग हैं उनको शायद सहगल या मुकेश के गाने ज्यादा याद होंगे। तालियां जोरदार तालियां सुनकर होना चाहिए। यस,
पूर्णिमा को सम्मानित करेंगे। इधर है सालू, वो खाना खाते सालू, टेंशन नहीं लेने का। ये सम्मान भी किया इसी मान सम्मान की श्रृंखला में और इस अच्छे प्रोग्राम के लिए ऑल क्रेडिट गोज टू और रवि टाक, तो रवि टाक का सम्मान करेगी इनकी धर्म पत्नी शालिनी और पुष्प गुस्से इनका सम्मान करेंगे और खासकर इनका चोला कुर्ता के लिए भी इनका बहुत बढ़िया वेल ड्रेस्ड है ये अंजना जी ने भी तारीफ की। आप आइए और इनका सम्मान और तालियों से कर्तव्य दम से किरोत्मा से कि वो स्टेज पे आए और आज जो सबसे अच्छी साड़ी पहन के आई कलर मुझे बहुत अच्छा लगा हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा। सुनो शांति रखो तो नीरू दीदी का सम्मान करें बुके देके और उपरना पहना के मुझे साड़ी बहुत अच्छी है और हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी लगी मुझे तो प्लीज आइए वहां से कपड़े को किया है एक्चुअली वो मुझ तो शायद वो गवानी सेम ने अभी सेविंग बनाई तो उसी लगा दी।